लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें लगभग खराब हो चुकी है, जिसके लिए किसान सरकार से नष्ट हुई फसल का 40,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा मांग रहे हैं। लेकिन सरकार किसानों का दुख समझने को तैयार नहीं है। मजबूर होकर किसान अब धरने पर बैठ गए हैं। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते सोयाबीन और मक्के की फसल लगभग खराब हो चुकी है, जिसको लेकर किसानों की मांग है कि उन्हें नष्ट फसल का 40,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए। लेकिन सरकार किसानों की समस्याओं को समझने के लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने धरना दिया। मनीष चौधरी ने कहा कि किसानों की पूर्ण रूप से खराब हो चुकी फसल पर मिलने वाले मुआवजे की लड़ाई है, जिसे लड़ने के लिए युवा कांग्रेस संकल्पित है। हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, क्रमिक इसमें चरण बनेंगे, जिसमें भूख हड़ताल भी शामिल होगी, जिसमें समय आने पर अगर ये हमारी याचना निवेदन प्रतिवेदन को नहीं मानेंगे तो समय आने पर हम जनांदोलन करने तैयार बैठे हैं और किसान की लड़ाई लड़ने तैयार बैठे हैं। अभी तो बहुत परेशान हो, पूरे फूल भी जो थे वो पूरे नष्ट हो गए, पूरे जल गए पानी के कारण, जहरीला पानी के कारण। और जो सोयाबीन थे मेरे, जो रेड वेराइटी के थे, वो भी पूरे जल गया, उसमें कहीं नहीं बचा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।